खबर आवली अंजड़ से, एक बड़ा नाला खाई के रूप में धंसता जा रहा। ग्राम आवली में एक बड़ा नाला जो कि रेत से धंसती जा रही, जिससे कि बड़ा हादसा हो सकता है। और रहवासियों ने जैसे ही खबर भारतवर्ष के संवाददाता को सूचना दी कि नर्मदा नदी का पानी आता है, जिससे कि मिट्टी धंसती है और नर्मदा नदी का पानी भी भरा हुआ है, जिससे बड़ा हादसा हो सकता है। रहवासियों ने मांग की है कि ये नाला को बुझ दिया जाए, नहीं तो हमें 5,80,000 का मुआवजा दें, नहीं तो हमें बसावट में रहने की जगह दें। इस नाले को लेकर तहसीलदार और जिला कलेक्टर 5 सालों से ज्ञापन सौंपते आए हैं, अभी तक कुछ भी निराकरण नहीं हुआ। आपसे हमारा यही निवेदन है, इस नाले को बुझ दिया जाए। यहाँ छोटे बच्चे खेलते हैं आसपास में, जिससे कि बड़ा हादसा हो सकता है। आवली गांव में स्कूल भी नहीं होने से गर्मी हो चाहे बारिश की ठंड, बच्चों को पढ़ने अंजड़ जाना पड़ता है। 7 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है पढ़ने के लिए। गाँव में एक स्कूल बन जाए तो बच्चों को दूर अंजड़ पढ़ने नहीं जाना पड़ेगा। और ट्यूबवेल का पानी पीते हैं गाँव वाले, बिजली घंटों तक नहीं आती है। दादा आपका भारत सिंह। अच्छा, क्या समस्या आ रही नाले के संबंध में? मेरे मकान के पास में नाला आ गया है और उसमें अभी भी पानी भरा हुआ है, तो मकान की दीवारें ये गिरने की हमको बहुत समस्या है। और ना तो यहाँ पे है, बच्चे रहते हैं खेत में, चले जाते हैं हम काम करने, तो कभी आके ये नाले में गिर सकते हैं। अच्छा, आपने किसी को आवेदन दिया था इस संबंध में? कलेक्टर को भी दिया, तहसीलदार को दिया, कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। दादा आपका? मेरा नाम विजेंद्र सिंह तोमर है। अच्छा, मैं ग्राम औली का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो आज क्या समस्या है नाले के संबंध में? समस्या बहुत ज्यादा गंभीर हो गई है, समस्या आज की नहीं, हम 2-4 साल से परेशान हो रहे हैं, 2017 से परेशान हो रहे हैं। और हमारे जो पुनर्वास वाली जगह है, हम लोगों को मुआवजा तो पुनर्वास का प्लाट तो मिल चुके हैं, 2017 से मिल रहे हैं, लेकिन जो हमारा पुनर्वास था, जो प्रॉपर होना चाहिए था, वैसे ही नहीं हो पा रहा है। अभी हम लोगों का जो 25-30 लोग रह गए हैं यहाँ पर, जो अभी तक औली ग्राम में ही रह रहे हैं, जिनको प्लाट तो मिल चुका है, लेकिन उनका जो मुआवजा देना था गवर्नमेंट की तरफ से 5,80,000 देने का वादा करा था, वो नहीं दिया अभी तक। और आज स्थिति ये है हमारी कि हमारे यहाँ ये घर नाले के किनारे आ गए हैं, पानी पूरा भर गया है, इतनी बुरी हालत है, मच्छर रात दिन परेशान कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं यहाँ पे, कुछ भी हो सकता है, घर कभी भी गिर सकता है, बहुत बुरी हालत है। और गवर्नमेंट कलेक्टर वगैरह तहसीलदार सबको बोल चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कुछ भी एक्शन नहीं है, कोई काम नहीं कर रहा है। अच्छा, आपने किसी को आवेदन दिया था अभी तक? कलेक्टर साहब को भी दिया, तहसीलदार साहब को भी दिया है, सबको दिया है, और हर बार दे रहे हैं, पिछले साल भी दिया, अभी तक कुछ अभी भी तो कोई देखने आया इस नाले को? अभी तक कोई भी देखने नहीं आया, जबकि समस्या आज से नहीं, अभी पानी 1 महीने से भर गया है यहाँ पे। अच्छा, जो कल सोमवार दिन आप मतलब मेगा पाटकर द्वारा जो बड़वानी में महारैली निकाली गई, इसका कुछ हाल हुआ है अभी तक? अभी तक कुछ नहीं, गया जरूर थे वहाँ पे, सभी लोग गए थे, लेकिन कोई एक्शन नहीं आया, कोई अभी कोई अधिकारी नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया। खबर भारतवर्ष के लिए अंजड़ बड़वानी से रवि सिमले की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।